डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं हम लोग, पिछले क्लास में नायलोन 6-6 का दो बहुलक है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। नायलोन 6-6 के बारे में पढ़ रहे थे कि नायलोन 6-6 क्या है और इसके बहुलक कौन कौन से हैं। तो नायलोन 6-6 के दो बहुलक हैं जिसका नाम है ADP कम्ल और HMD, और इससे बनता है नायलोन 6-6। तो नायलोन 6-6 के बारे में ही कुछ और पॉइंट्स बच गया था, तो ये जो लिखे हैं अभिक्रिया के टाइप में, इसी के नीचे एरो देकर लिखेंगे। यह नायलोन अत्यधिक मजबूत होता है, अत्यधिक मजबूत होता है, इसी कारण इससे मछली पकड़ने वाला जाल बनाई जाती है, मछली पकड़ने वाली जाल बनाई जाती है। जी हाँ, जो मछली पकड़ने वाली जाल बनाई जाती है वो किसका बना हुआ रहता है? तो नायलोन 6-6 का बना रहता है। इसीलिए याद रखिएगा कि नायलोन 6-6 जो है मजबूती के आधार पर ठीक ठाक है, इसलिए हम इसको मछली पकड़ने वाले जाल के भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एरो देंगे, इसके नीचे लिखा जाए, यह बहुत कम जल अवशोषित करता है। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब जो प्लास्टिक से बना हुआ कोई पदार्थ या वस्तु रहता है तो जल सूखता ही नहीं है, उसी तरीके से मछली पकड़ने वाला जाल जो है नायलोन 6-6 का बनाया जाता है, यानी कि बहुत चिकना होता है, प्लास्टिक की तरह होता है, इसलिए जल को नहीं सूखता है, अवशोषण बहुत कम करता है, मैंने ना मात्र करता है, ठीक है, जल उसके अंदर कोई सूखता ही नहीं है। तो ये नायलोन 6-6 के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसी के आगे नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, यह अत्यधिक खरोच प्रतिरोधी होता है, अतः इसका उपयोग टायर कार्ड बनाने में होता है। जी हाँ, अब ये मजबूत होता है, और दूसरा बात कि इसमें जल्दी खरोच नहीं आ सकता है, इसलिए जब आप टायर देखते होंगे ऐसे ऐसे ट्रैक्टर का, तो उसमें ऐसा ऐसा गोटी लगाया हुआ रहता है, लगाया रहता है ना, यानी ऐसा क्यों लगाया रहता है चाका में, ताकि इसमें बहुत कम खरोच आता है, यानी कि जो चाका जो है जल्दी खियाता नहीं है, वो जो गोटी जिसको कहते हैं ना, तो उस वो गोटी जो बनता है यही नायलोन 6-6 का बनता है, बहुत हार्ड होता है वो, इसीलिए उसका टायर कार्ड बोलते हैं उसको, कार्ड, ठीक है, यानी कि गोटी बनता है, ऐसे ऐसे रहता है डिजाइनदार किया हुआ, और उसको ग्रिप कहते हैं एक्चुअली, ठीक है, ताकि वो चलेगा तो उसमें फ्रिक्शन लाएगा, उसमें चाका फिसलेगा नहीं, इसलिए उसको बांधे रहता है। तो याद रखिएगा, ये नायलोन 6-6 का कुछ गुण था जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए। हालांकि पिछले क्लास में तक तो हम लोग यही सीखे थे कि नायलोन 6-6 का दो बहुलक है, ADP का अम्ल और HMD। चलिए उसके बाद हम लोग टॉपिक्स देते हैं, पॉलिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो टॉपिक लिखा जाए पॉलिस्टर टॉपिक देंगे, उसके नीचे एरो देंगे, पॉलिस्टर के नीचे एरो देंगे, लिखा जाए, इसके भी दो बहुलक हैं। फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, इसके भी दो बहुलक हैं। पहला ए में लिखिएगा द्विहाइड्रिक एल्कोहल, और बी में लिखिएगा द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो याद रखिएगा, पॉलिस्टर का कौन कौन सा बहुलक है? तो पॉलिस्टर के भी दो बहुलक है, एक का नाम है द्विहाइड्रिक एल्कोहल, तो दूसरा का नाम है द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो अब हम लोगों को ऐसा है, OH
उल्टा लिखा हुआ है, आर आर मैंने कार्बन का चैन और ओ एच इसकी संख्या एन रहेगा। इस ये हो गया हम लोगों को द्वि हाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, द्वि हाइड्रिक अल्कोहल। और किसके साथ ये मिलेगा, तो द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो एन सी डबल ओ एच के साथ जुड़ा हुआ है आर और सी डबल ओ एच। इसको हम लोग कहेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल ना है, सी डब्ल्यू एच का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसको बोलेंगे द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब ये दोनों अणु आपस में जुड़ेंगे तब क्या बनाएंगे, तो एक नया यौगिक बनाएंगे, एक बृहत यौगिक बनाएंगे, तो उसको हम लोग पॉलिस्टर कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एच ओ एच तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से एन यानी कि आर का जो एटम है उसको हम लोग बीच में जोड़ेंगे, ठीक है। ये रहा हम लोगों का आर, इसको बीच में जोड़ेंगे और सी डबल ओ एच, तो इसी को हम लोग कहेंगे टोटल पॉलिस्टर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पॉलिस्टर क्या है, तो पॉलिस्टर के भी दो गो बहुलक होते हैं, एक का नाम है द्वि हाइड्रिक अल्कोहल और एक का नाम है द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो अब इसका उसके नीचे लिख लीजिएगा कि ये दोनों को मिलने से ही पॉलिस्टर बनता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉलिस्टर का दो बहुलक है। चलिए अब आते हैं कि आखिर पॉलिस्टर का क्या क्या उपयोग है, इसके उपयोग की चर्चा कर लेते हैं। तो उसके नीचे एरो देकर लिखना है, इसके निम्नलिखित उपयोग है किसके, तो पॉलिस्टर के, क्योंकि हम लोग पॉलिस्टर के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो लिखा जाए इसके निम्नलिखित उपयोग है, पहला लिखा जाए उसके नीचे, पहला में लिखेंगे वस्त्र उद्योग में। जी हाँ, पहला वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा, जैसे साड़ियाँ, शर्ट, कमीज, पैंट, ये सब जो वस्त्र बनता है उस कपड़े के निर्माण में भी हम लोग यूज करते हैं पॉलिस्टर का। नहीं सुने होंगे कि ये पॉलिस्टर का है कपड़ा, पॉलिस्टर का शर्ट है, तो पॉलिस्टर का साड़ी है, तो कुल मिलाकर हम लोग, या फिर जो वो कपड़ा से पर्दा बनाया जाता है तो उसमें भी पॉलिस्टर का निर्माण से ही बनाया जाता है। तो पहला जो उपयोग है पॉलिस्टर का वो कहाँ करते हैं हम लोग, वस्त्र उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, ठीक है। दूसरा लिखा जाए आग बुझाने में प्रयुक्त पाइप में, जी हाँ, जो आग बुझाने वाला फायर ब्रिगेड होता है ना, तो उसका जो पाइप बनाया जाता है वो एक्चुअली पॉलिस्टर का बनाया जाता है। तो जो आग बुझाने वाला जो पाइप रहता है प्लास्टिक का, उसमें हम लोग पॉलिस्टर का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर में लिखेंगे टेरी कॉटन कपड़ों को तैयार करने में, टेरी कॉटन जिसको बोलते हैं ना हम लोग कि प्लास्टिक जैसा। ये टेरी कॉटन कपड़ा क्या है, गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसके उल्टा इसलिए सलाह दिया जाता है कि हम लोगों को सूती कपड़े पहनना चाहिए, ऊनी सूती वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक है। ऊनी वस्त्र तो ठंडा के लिए है, ताकि हमारे बॉडी को गर्म रखे। तो ये टेरी कॉटन का मतलब क्या है कि प्लास्टिक वाला कपड़ा, इसीलिए नाम रखा गया है ताकि ये पॉलिस्टर से बनता है। पॉलिस्टर और प्लास्टिक ज़्यादा अंतर नहीं है, तो याद रखिएगा कि टेरिकॉटन जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसमें पॉलिस्टर का उपयोग होता है। फिर लिखा गया चौथा उपयोग नावों की पतवार बनाने में। अब नावों की पतवार क्या होता है, तो देखिए जब नाव चलती है किसी नदी में, ठीक है, तो जब किसी नदी में चलती है नाव, तो कुल मिलाकर उसके नीचे पतवार लगाया होता है। अब ये पतवार का काम क्या है, जैसे मान लिया कि आप बस, ट्रक या फिर बाइक वगैरह चलाते, उसका हैंडल होता है ना, तो इसको जिधर मुड़ना रहेगा ये उसको पानी को काटता है। इट मीन्स कि अगर इसको इधर मुड़ना रहेगा तो ये वाला घूमेगा, यानी कि एक तरीके के हैंडल के समान होता है जो पतवार होता है, मतलब कि बहुत ही बड़ा आयताकार वर्ग के फॉर्म में, ये चौड़ा होता है पट्टी जैसा, और ये काम करता है कि किधर हमको घूमना है, बाएं साइड, दाएं साइड, तो ये जो है ना घूमेगा तो उधर दाएं साइड घूमेगा नाव,
यानी कि उसको मुड़ाने में पतवार का यूज किया जाता है, और पतवार आपको जानना चाहिए कि पॉलिस्टर से ही बनाया जाता है। तो ये कुछ तरीके के पॉलिस्टर थे जिसका उपयोग हम लोग पढ़ रहे थे। तो कुल मिलाकर पॉलिस्टर क्या है, इसके कौन कौन से बहुलक हैं, इसके क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे, टॉपिक दिया जाए जैव निम्नीकरणीय बहुलक। जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय बहुलक, जैव निम्नीकरणीय बहुलक। अब ये जैव निम्नीकरणीय बहुलक क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, या फिर इस ये क्या है, या फिर बोल सकते हैं कि किस किस पदार्थ को हम लोग जैव निम्नीकरणीय बहुलक कहेंगे, उसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एरो देकर सबसे पहले लिखा जाए, ऐसे बहुलकीय अवशिष्ट पदार्थ, ऐसे बहुलकीय अवशिष्ट पदार्थ, ऐसे बहुलकीय अवशिष्ट पदार्थ जो मृदा या वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं, वे जैव निम्नीकरणीय बहुलक, कहलाते हैं, जैसे सेलुलोज, कॉमा नाइलोन 6-6, तो आप देख पा रहे होंगे कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक किसको कहते हैं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ जो मृदा और वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है। तो कौन कौन से नहीं करते हैं, तो सेलुलोज, नायलोन 6-6, नायलोन 6, ये सब जो सारे हैं मिट्टी या वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। सिंपल कि जैव निम्नीकरणीय बहुलक उसको कहते हैं जो मिट्टी और वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करता है, यानी कि खराब नहीं करता है। और इसके विपरीत एक और डेफिनेशन लिखा जाए, एरो देकर लिखेंगे, जैव निम्नीकरणीय बहुलक के विपरीत, अर्थात ऐसे बहुलकीय अपशिष्ट पदार्थ, जो मृदा को प्रदूषित करते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय, यहाँ निम्नीकरणीय है ना, अनिम्नीकरणीय बहुलक कहा जाता है। जैसे प्लास्टिक, ये सब क्या करते हैं, प्लास्टिक जो है कभी गलता सड़ता नहीं है, तो मिट्टी को ही क्या करता है, प्रदूषित करता है। कॉमा पॉलीथीन, कॉमा पीवीसी आदि। तो देख लीजिए कि वैसा बहुलक जो मिट्टी वायुमंडल को प्रदूषित करता है उसको कहते हैं अनिम्नीकरणीय, और जो प्रदूषित नहीं करता है उसको निम्नीकरणीय। तो कौन कौन सा नहीं करता है, तो सेलुलोज, नायलोन 6-6, तो ये सब सारे नहीं करते हैं, और जो करते हैं उनको कहा जाता है अनिम्नीकरणीय। तो दोस्त यहाँ तक के आज के क्लास को हम एंड करते हैं, और सबसे खुशी की बात कि ये हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा था जैव अणु, ये हम लोगों का ख़त्म हो गया है। अगले क्लास में इसी कार्बनिक रसायन के भाग में, खंड में, आठवां चैप्टर जो कि लास्ट चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैनिक जीवन में रसायन, इसमें एक तरीके का हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ताकि
सिर दर्द कैसे होता है, हम लोगों को बुखार आएगा तो कौन सा टैबलेट लेना चाहिए, कौन सा दवाई खाना चाहिए, तो ये सब सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक चैप्टर बचा हुआ है, एक ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो दोस्त इस चैप्टर को हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।